अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, चलाजी हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, नरेंद्र हुड्डा, सुरेंद्र हुड्डा, अजीत हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी, चलाजी महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी, चलाजी पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखवीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजिठिया, आदित्य प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी, चलाजी बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा यादव, तेजस यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी, रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी, चलाजी झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी, चलाजी उड़ीसा, रिजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी, चलाजी तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, इस्तालीन, अलागिरी, और पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में चलाइए, तो एक ही परिवार की पार्टी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जनरल चौधरी, दुष्यंत चौधरी, और हिंदुस्तान में सबसे बड़े परिवारों की पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, अक्षय यादव, अनिल यादव, मृदुला यादव, बिल्लू यादव, नीलम यादव, मीसा यादव, और एक ही परिवार की पार्टी, अब तक बड़ी तेजी से बढ़ने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, और अब तक की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजू, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दराज वाडरा, पता तो इस देश के अंदर पार्टी चलेगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है दोस्तों। आज हमारी हिस्सेदारी कहीं नहीं है, हमारी ही पार्टी कोई है, कोई दलील बता दे कि हमारी पार्टी हो, कोई मुसलमान बता दे हमारी पार्टी हो, सत्ता और शासन में हम लोग नहीं है, और हमारे लोग हमें भेजना भी नहीं चाहते, कहते राजनीति हो जाओ, आखिर क्यों आप राजनीति की दूरी बना हुए हैं? आज राजनीति तय करता है क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या उड़ना है, कैसे चलना है। आपकी अच्छी सोच है, आपने अपने लड़कों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, लेकिन उससे पहले अपने लड़के को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह लड़ना भी सिखाना होगा, क्योंकि आप अपने लड़के को इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनाने की सोच तो रखते हैं, मगर जेएनयू में जाएगा नजीक की तरह गैस कर दिया जाएगा, और हम भी तो चूतिया थोड़ी ना है, चार बार निमंत्रण देकर बुलाए हो, हाँ तो पीछे कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, और वो आज संविधान बदलने की बात करते हैं, नहीं कहते हैं, जिनके बाप दादाओं को 90 साल लग गया नहीं, नहीं, लीजिए, आप पैंट से फुल पैंट पहनने में, उनकी आवाज़ें आज संविधान बदलने की बात करते हैं। असल में हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं कि हम है कौन, हम कहें कौन। आज हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहने पर मजबूर है कि 1947 में हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने गलती की क्या, जब यहां से मुसलमान और जा रहे थे बंटवारे के बाद, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना अबुल कलाम आजाद खड़े होकर बोल चिच्ची चिच्ची के चिल्ला रहे थे, मुसलमानों कहां जा रहे इस मुल्क को छोड़कर, ये ताजमहल के हुस्न में पुकार पुकार के कह रही है, ये कुतुब मीनार की बुलंदियां तुमसे चीख चीख चिल्ला रही है, ये जामा मस्जिद की गुंबदें तुमसे चीख चीख कर कह रही है, तुम अपने बाप दादाओं को मुल्क छोड़ कर ना जाओ, इस मुल्क की दीवार के न्यू में तुम्हारा खून और पसीना है, इस मुल्क में तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। मगर क्या इंसाफ हुआ? मुल्ला मुलायम सिंह जी आते हैं, कहते हैं 18% आरक्षण देंगे। आरक्षण क्या हुआ? क्या हुआ आरक्षण? लोहिया के नाम पर चलने वाले लोग आरक्षण कहां गया? जब मुसलमानों का घर मुजफ्फरनगर में जलाया जाता है तो समाजवादी पार्टी के लोग सैपई में कैटरीना कैफ के ठुमके देख रहे होते हैं, लेकिन जब तो बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अब भाई समय का अभाव है, कुछ बात कहूंगा जो मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती इस मुल्क में हो रही है उसके ऊपर यही बात कहना चाहूंगा कि आज हमें मुसलमान के होने की वजह से सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा भीड़ इकट्ठा करके हमारे ऊपर हमले करा रहे हैं। वो लोग करा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को 6x6 बार मतलब 36 बार माफीनामा लिखा और हमें देश का गद्दार बताते हैं, वो लोग आज हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी के अंदर अगर हिम्मत हो और एक आदित्यनाथ के अंदर हिम्मत हो तो एक भी आरएसएस वाले का नाम बता दे जिसने इस आजादी के हिस्सा में लड़ाई लिया, बता दे आदित्यनाथ जो आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है
कहने लगूंगा तो समय बीत जाएगा मगर कहानी नहीं शुरू होगी, आपसे आंसू बहने लगेंगे। उसके ऊपर एक कविता है कि हुकूमत के दिल पे वफादार हैं हम, सितारों पे चलने को तैयार हैं हम, मुसीबत में फिर भी गिरफ्तार हैं हम, मुसलमान है बस खतावा रहे हम। सजा मिल रही है दावत के पहले, समझते हैं बागी बगावत के पहले, मुसलमान चीन और जापान में है, यही कौम रूस और यूनान में है, यही लीबिया और सूडान में है, जहां भी हम नो अमान में है। हर एक मुल्क में तो वफादार हैं हम, मगर हिंद में सिर्फ करता रहे हम। हमें रोज धमकी भी दी जा रही है, हमें रोज धमकी भी दी जा रही है, घरों में तलाशी भी ली जा रही है, बिना वजह सख्ती भी की जा रही है, अदालत की हाथे रुकी जा रही है। जो मासूम थे आज मुजरिम बने हैं, जो बस फितना थे आज हकीम बने हैं। तो में दिन में हमको ये रहने न देंगे, हमें कल अपना ये कहने न देंगे, डबोरंज सहे तो रहने न देंगे, सितम है कि याद भी बहने न देंगे। जुबा बंदियां हैं, नजर बंदियां हैं, गोश बंदियां हैं, हमारे लिए सारी पाबंदियां हैं। अब उर्दू विवाह भी मिटानी पड़ेगी कि बच्चों को हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, यहाँ सबको चंदी रखानी पड़ेगी, रहोगे तो फिर की करानी पड़ेगी। और वफादार होने के मियार ये हैं, यकी दिल में आ जाए दुखवार ये है, तकाजा है अपनी जमात को छोड़ो, अब तुम लीग की जमात को छोड़ो, मुसलमानों की तुम कयादत को छोड़ो, नहीं तो चले जाओ भारत को छोड़ो। यही नजरिया है, यही जहनियत है, इसी का नाम है आज जमहूरियत है। गिराते हो तुम मस्जिदों को गिराओ, मिटाते हो तुम मकबरों को मिटाओ, बहाते हो अगर खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ कर जरा दिल मढ़ाओ, मजालिम का जब लब लेजाम होगा तो हिस्सा और सीटों का अंजाम होगा। हमें मुल्क से है भगाने की ख्वाहिश, हमको जहर से है मिटाने की ख्वाहिश, तो खून लगी ना है मिटाने की ख्वाहिश, तो हमको बेहद पर कटाने की ख्वाहिश, बहेगा खून तो ये मजबूर होगा, हिमालय से श्रीडांग तक खून होगा। बिहार और यूपी में हम कुछ न बोले, हुआ जिन पर दिल्ली में हम कुछ न बोले, किया कत्लकारी में हम कुछ न बोले, घरों में घुसाए तो हम कुछ न बोले, मजालिम अगर यूं ही रोते रहेंगे तो क्या अहले ईमान सुनते रहेंगे। अलग होकर यह बरतानिया देखता है, हरेक कौम का पेशवा देखता है, जवाना हरेक माजरा देखता है, जो जो कोई देखे ना देखे खुदा देखता है, जो करेगा जिंदगी हुई आजाद होकर, अब वो खुद ही मिट जाएंगे बर्बाद होकर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सुनने के लिए, और अमीनुद्दीन क्या हमारे जिनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने बोलने का मौका दिया, जो बराबर हमारे अंदर इंकलाब का इंजेक्शन लगाने का काम करते हैं, ऐसे अपने चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।